नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, देख रहे होगे सुबह सुबह ये क्या करके आया है। आपको बता दूं कि 11:05 में उठा हूं, वो भी किस लिए, पावर स्टार पवन सिंह का गाना बारिश आया है और गाना सुन चुका हूं, स्टूडियो में बैठा हूं। और कौन से सारे भाई है पता है, इतने सारे भाई हैं, पिंटू लाल यादव, भीम सिंह भयंकर जी हमारे, भीम जी और सनी दुबे भाई साहब। बवाल गाना, कैसा है गाना सर? बहुत अच्छा गाना, बहुत भोजपुरी के मिसाल गाना है। भोजपुरी के मिसाल गाना है। कितना मिसाल गाना बा? बहुत मस्त गाना, जिसकी भोजपुरी वाले कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी ऊपर है। भाई साहब पवन सिंह के फैन होना यार, फटाफट जाओ यार, गाना को शेयर करो, लाइक करो। और भाई सिंगर भाई हो जाए एक लाइक। सनी भाई, दोनों भाई एक साथ में सुर में गाओ यार, बहुत शानदार गाना है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया सुन के, सोन के दिल गदगद हो गया। ये भोजपुरी में जो चुतियावल कुछ कहेला कि बहन जब गाना बढ़िया ना बनेला तो हाई ओकर माई के दिखा देवे ना, देख ला जाके गाना। हां सुनिए ना गाने, इसको सुनिएगा ना तब ना लगेगा यहाँ गाना है। हाँ, चैनलवा के नंबर बता दे ही, आ कुछ गदहवा के तो पता नहीं है बाकी चैनल पे कौन गाना चलेला। तो नाम बा VYRL ओरिजिनल्स, ठीक है ना? तो लिख ला, नोट कर ला, वीडियो हमार पहुंचल बा तो केकरो करता। गाना बहुत बवाल बा, आ हीना खान, पवन सिंह, पायल देव और जो गाए ना भाई, गजब भाई, दो लाइन हो यार गाओ। जब हम बदल बन जाए तू बारिश बन के आई हा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हा। जब हम बदल बन जाए तू बारिश बन के आई हा, जब सांस भी कम पड़ जाए तू हमरा दिल में समय हा। भीम जी एक बात बताइए, आप गाना कितने सालों से लिख रहे हैं, कितने दिनों के बाद पवन सिंह का ये गाना इस तरीके का लगा है कि हाँ यार कुछ गाना है? गाना तो मैं तो बचपन से ही लिख रहा हूँ, भोजपुरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, ऐसी क्वालिटी और इतना उमदा, इनका नींद ही उड़ गया सुबह सुबह। जो कि मैं ज्यादा भोजपुरी लिखता हूँ लेकिन देखता नहीं हूँ, लेकिन आज देखा तो लगा कि नहीं हाँ हमारा भोजपुरी। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, सारे लोग सो रहे थे रात 4 सुबह सोए हैं, उसमें से सिर्फ सनी उठा हुआ पहले था, कैमरे के सामने इसको आना था ना, इसीलिए नहा धो के आया, बाकी सब सो ही रहे थे। और सो के सिर्फ फिर पवन सिंह का गाना के लिए सब लोग उठे हैं ना। हाँ। भाई पवन सिंह का गाना तो कम से कम 5 लोग, एक लोग को नहाना होना चाहिए, एक लोग तो नहा के बैठे। पवन सिंह ने भी बहुत अच्छा गाया है, हटके गाया है, जो भी गाया है लगी नहीं लगी लग नहीं लगी, वही गाय है जो क्वालिटी दिया है, जो इसमें क्वालिटी और शैली से, जिस शैली से गवाया गया है, या तो उन्होंने गाया नहीं, किसी और ने गवाया है उनसे, यही दिखा इसमें। लेकिन पवन सिंह के अंदर वो चीज है जो कोई निकाल नहीं पाता, इस गाने में कुछ निकल के आया है। पवन सिंह ने फाड़ दी सकती ब्रांड इस चीज पर है कि पहली बार ये चीजें सुनने में आई, पहली बार ये चीजें मिली है सुनने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। ऐसा मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, उम्दा मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए खास करके इस तरीके से वीडियो में बना रहा हूँ, एकदम बिना नहाए धोए और सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि सिर्फ पवन सिंह का गाना आया है, बढ़िया गाना है, इसीलिए जरूरी था कि ये वीडियो बनाना है और लोगों को पहुंचाना है कि भैया जो अश्लीलता का झंडा बुलंद कर रहे हैं ना मादर चोदो, कुछ लोग हैं और सीखे हैं। खुलेआम कहते हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मोनू अलबेला, जितने भी लोग हैं सबके साथ पैसा कमाते सब मिलके, लेकिन उनकी अच्छाइयां भी करते हैं, उनकी गंदगी को होते हैं तो उनकी गंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन ढोल लगा रहे किसी माँ बहन को नहीं नीलाम करते हैं। भैया हमारी माँ बहन है, हम भोजपुरी से कमाते हैं और कमाते रहेंगे, भाई सब कमा रहे हैं सब, लेकिन भाई उसी रोटी खाते हैं, उसी रोटी खाते हैं। कोई बहन चोद आता है, बहन चोद मगर तो वो क्या बोलते हैं उसको, नाम लेना नहीं चाहता, चूतिया का नाम लेने का बहन चोद हमारी औकात, बहन चोद हमारा चैनल का गरिमा गिरेगा, बहन चोद वो साले जुम्मा जुम्मा 4 आया बहन चोद, हमने चैनल नीचे से ऊपर खड़ा किया है, सपोर्ट भी कर रही पब्लिक, सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट ऐसे गाने का होता है, ऐसे का सपोर्ट अच्छी चीज का, असली ट्रेंडिंग गाना ये है, असली ट्रेंडिंग गाना ये है, इसको ट्रेंडिंग मिला ये, सुनिए इसको, मैं तो लग रहा है कि हां मोहम्मद रफी जैसे, किशोर दास जैसे, लता मंगेशकर जैसे गाने गाते थे, लगता है कि हां पवन सिंह अब
अब वो ट्रेंड लेके आएंगे। बॉलीवुड स्टाइल का गाना है, पहली बार ऐसा गाना आया है सुनने से कुछ सीखने सीखने मिलेगा। वो सिंगर जो है, जो सिंगर है, जो सिंगर है, मतलब सिंगर की बात कर रहे हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ। सिंगर के साथ साथ ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये गाना पार्टी हो या कहीं पे भी हो, इंटरनेशनल भोजपुरी के लेवल पे, जो भोजपुरी का कोई सा भी लेवल हो कहीं पे भी हो जाए, साला मैयत में भी गाना बजा दो, भैंसो लोग कहेंगे भैंसो गाना बज रहा है। मैयत में गाने नहीं बजते, गजब मिसाल भैंसो हर जगह गाना बजने वाला है। तो बहन जो तुम्हें लहंगा चोली दिखा, ठीक है लहंगा चोली है, बहन जो गाने हैं, लेकिन जो लहंगा जो लहंगा चोली करता है उसके लिए तो थप्पड़ ना है। अरे ना, वो जो जो अश्लीलता का झंडा लेते हैं ना, उनके लगी उनके लिए, उनका भाई, तो उनके लिए है, उनका तो बात ही छोड़ दो भाई। क्या इसका उस गाने का क्या प्रमोशन करेंगे? अरे रेंडी होना बहन चो, वो उन्हें पता है ना इस पे लड़ा इनका 1000 व्यू ना आने वाले हैं। जो अश्लीलता के लेके यूट्यूब पे फेसबुक मचे वो सब अपना रोटी से करे, सब रोटी ना सोच रहे बहन चो। टिकटॉक तो बंद हो गल बा, हाई बीगो बंद हो गल बा, कमाई कहाँ से? कुछ के गरिया के कमा ले, हम गाड़ी ना देवे ला भाई। हमारे इंटरव्यू देख ले बा सबे के सब सबके साथ करे ला, लेकिन हम गाड़ी ना देवे ला। आज कुछ ज्यादा बोल देला काहे कि गाना हम सुबह उठ के हम 11 बजे 5 मिनट में उठल बा, वीडियो बनावे तरी है जैसे तैसे ऐसी अपलोड हो जाई। अतः ये अगर मैं बुरा ना माना, बाकी गाना ना सर के लिए बाहर देख ले बाहर, तो फटाफट जाके का करी देख ही जाएगा। हां भाई साहब यही कहेंगे कि गाना बहुत बवाल है। एक बार सब कहो भाई साहब जय भोजपुरी, ये है असली भोजपुरी गर्दा। धन्यवाद।